फाइनली दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया गाना लाया हूँ, भूल भुलैया का 2, हरे राम हरे कृष्णा। तो बहुत दिन से मुझे इस गाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली आज मैंने ये गाने को आपको बजा के दिखाना है। पहले एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा गाना है, तो इसको कैसे बजाते हैं। सबसे पहला काम इसमें ये है, हम सब लोग बोलते हैं कि हमें सारे गम से सीखना है, ना कि इंग्लिश कॉर्ड यानी कि सी डी एफ जी। तो मैंने आज इस वीडियो को सारे गम प ध नि से बनाया है। तो सबसे पहले सा 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 रे ग, पहले सा, सा को 6 टाइम बजाना है, 6 टाइम सा 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 रे ग, फिर रे ग सा 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 रे ग, फिर उसके बाद 6 टाइम्स सा 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 ध प, फिर 6 टाइम सा 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 सा, फिर होगा ये ध, और इसमें जो ग था रे ग, ये कोमल ग है, और नॉर्मल ग कौन सा होता है, ये ग। आप इसको ऐसे भी बजा सकते हैं सा 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 सा, पर ज़्यादा इजी आपको ये लगेगा क्योंकि वो अप बटन है और ये गाना ऊपर से ही बजता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, 6 टाइम्स सा, फिर उसके बाद रे ग सा 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 ध ग। वैसे तो ध ये है पर इसमें कोमल ध बचेगा, है ना। ये इसको कंटिन्यू करना है 3 टाइम्स टोटल, सा 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 रे ग, सा 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 ध प, सा 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 रे ग, सा 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 ध प, सा 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 रे ग, फिर उसके बाद 2 टाइम्स हो गए इस सा सा ध प, और इसको 3 टाइम्स करना है रे ग, फिर उसके बाद म ग रे ग म ग रे सा म ग रे ग म ग रे सा। देखो ये म है म, फिर से, और इसमें सिर्फ कोमल क्या रहेगा, कोमल ग रहेगा और कोमल यहाँ पे ध रहेगा बस, और सा बाकी सब नॉर्मल है। तो फिर ऐसे करना है इसको म ग रे ग म ग म ग रे ग म ग रे सा सा प म प ध प। देखो म म ग, पहले म ग रे रे ग म ग रे ग म ग रे ग रे सा म ग रे ग म ग रे सा। अब एक साथ अभी तक जितना भी हुआ है मैं एक साथ बजा के आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। उसके बाद ये बजेगा सा प सा सा प म प प ध सा प म प ध प। देखो पहले सा, फिर प, सा प, फिर म प, सा प म प, फिर ये कोमल ध, इस साइड में भी कोमल ध बजाएंगे और इस साइड में भी। या आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा बजाने का, वैसा नहीं बजेगा सा प, देखो ऐसे नहीं बजेगा, ऐसे सामने में ही बजाना पड़ेगा साप, यहाँ पे नहीं बजेगा साप। जो आप सोच रहे साप साप ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे बजाना है साप, ऐसे बजाना है साप साप म प ध प साप म ग रे ग, है ना। मैंने बता दिया आपको ये साप म प ध प,
है ना, ये क्लियर है सबको। फिर उसके बाद ऐसा ही बचता है जो कि वो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, उसमें आधा तो सेम रहता है, सापा, उसमें म प ध प था, इसमें सापा म प नहीं, सापा म ग, सापा म ग रे ग, उसमें क्या वो था, सापा म प ध प, और इसमें सापा म ग रे ग, म ग रे ग, सापा म प ध प, सापा म ग रे ग, समझे। अब इसके बाद जो कि मेन गाने का मजा आई है, आप समझ ही गए होंगे, ये मेन गाना, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, है ना। फिर उसके बाद ये ग म प प म ग म प ध प म ग, है ना। फिर ये देखो सा, पहले सा बजेंगे, सा रे ग, पे सा रे ग रे सा, ये सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग हो गया, फिर ग रे सा, फिर उसके बाद सा रे ग म ग रे सा, फिर हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। फिर से एक और बार बजाना है जो इसमें बजेगा, ग म प म ग म प ध प म ग, फिर समझे, ग म प म ग, ग म प ध प ध, ग म प ध प म ग, फिर से 1 2 3 शर, सारे ग रे सा रे ग म ग रे सा, ग म प म ग म प ध प म ग, सारे ग रे सा रे ग म ग रे सा। तो आज इस छोटे से गाने हरे राम के साथ मैं ये गाने को एंड नहीं करूँगा, मैं साथ में आपको एक और सिखाऊँगा, है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहुत इजी है, वो भी थोड़ा इजी है, पहले करना क्या है, तो सबसे पहले ये सा सा सा, इससे भी बचता है, सा सा रे सा मा ग, पर इसमें ज्यादा मजा आता है, सा सा रे सा मा ग, 1 2 वापस से बजा रहा हूँ, सा सा रे सा मा ग, सा सा रे सा पा मा, देखो पहले क्या करना है, सा सा रे सा, पहले मा ग हो जाता है, फिर दूसरी बार सा सा रे सा पा मा, क्लियर है। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड आता है, सा सा ध प म ग रे, हैप्पी बर्थडे डियर, मैं राम ले लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे डियर राम ग रे, सा सा ध प म ग रे, है ना, नी नी। फिर लास्ट में दूसरा स्टेप, लास्ट में मे द डियर गॉड ब्लेस यू, या आप बोल भी सकते हैं मे द डियर गॉड ब्लास्ट यू, चिढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को। और इससे ये भी बचता है लास्ट लाइन से, हैप्पी बर्थडे टू यू, तीन चीज़ बचती है, मे द डियर गॉड ब्लास्ट यू, मे द डियर गॉड ब्लेस यू, मे द डियर गॉड ब्लेस यू, मे द डियर ए सॉरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इसी